शॉर्ट्स तो बॉयज पहनते हैं, तो गर्ल्स को ही क्यों देखा जाता है कि वो उसके पैर दिख रहे हैं? लड़कों के पैर अच्छे नहीं है, क्यों देख रहे हैं? फैमिली से पता चलता है। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा ना मुझे बोलते हैं कि आप पढ़ाई करो, आप आगे ये करना। कभी उन्होंने शादी के लिए या कभी उन्होंने मेरे कपड़ों के लिए कुछ नहीं बोला। अगर किसी वुमेन के साथ कुछ हो रहा है तो कैमरे में आएगा ही नहीं, कैमरे चल ही नहीं रहे हैं यहाँ के। यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। तो ये होना चाहिए कि क्वालिटी बचपन से ही अगर आप बता रहे हैं तो आपके माइंड में कभी आएगा ही नहीं कि लड़की अलग है लड़का अलग है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि उसी टॉपिक पर आता हूँ कि जैसे आपने कहा कि कुछ ऐप बनने चाहिए जिसके जरिए कुछ ये सब इन्फॉर्मेशन दे पाए, लेकिन एट अ टाइम कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ जब वो हादसा होता है तो वो उसके पास उसका मेंटली उतना वो नहीं हो पाती है कि जो वो प्रेजेंट नहीं होती है कि वो एक्शन ले पाए। अच्छा चलिए, ऐप का आप कह रहे हैं, कैमराज जो होते हैं यहाँ पे, आप दिल्ली को ही ले लिए या यूपी में ले लिए, वो कैमराज वर्क का करते हैं? अगर किसी वुमेन के साथ कुछ हो रहा है तो कैमरे में आएगा ही नहीं, कैमरे चल ही नहीं रहे हैं यहाँ के। यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। अच्छा आप ये छोड़ दिए, स्कूल में बताइए, इसके लिए एक सब्जेक्ट बनना चाहिए जिसमें आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th में हूँ। 12th में मतलब मैं पास करा है। तो स्कूल में, जैसे स्कूल में आपकी फाउंडेशन होती है, तो आपको वहाँ पे ये होना चाहिए कि क्वालिटी बचपन से ही अगर आप बता रहे हैं तो आपके माइंड में कभी आएगा ही नहीं कि लड़की अलग है लड़का अलग है। इसके लिए एक सब्जेक्ट बनना चाहिए जिसमें मेंस को ये सिखाना चाहिए कि गर्ल्स अलग नहीं है उनसे। और जब वो ऐसे आते हैं 12th कॉलेज इस वाले टाइम पे भी, उनके लिए एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए। शॉर्ट्स तो बॉयज पहनते हैं, तो गर्ल्स को ही क्यों देखा जाता है कि वो उसके पैर दिख रहे हैं? लड़कों के पैर अच्छे नहीं है, क्यों देख रहे हैं? ये लड़कों के दिमाग में है, ये लड़कियों के नहीं है, ये लड़कों के दिमाग में है, इसे चेंज करना है। इसके लिए बनना चाहिए। 12th क्लास में की छात्र हो और 12th क्लास में अच्छा लग रहा है यार बात करके कि इतना मतलब ब्रॉडर माइंड है, सोचना एक डिफरेंट वे में, क्योंकि 12th क्लास में अक्सर हम लोग भी थे तो इतना चीज़ें नहीं समझ पाते थे कि ज़िंदगी कहाँ लेके जानी है, बाद में चीज़ें समझ में आती। तो एक अपने जो उम्र के जो लड़के हैं आपकी, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे, कैसे उनको एजुकेशन को लेके या जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट है उसको कैसे चेंजेस लाए? क्लास में बहुत गर्ल्स होती थी, क्लास में बहुत गर्ल्स होती थी और सब अलग अलग तरह की होती थी। सबका फैमिली से पता चलता है। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ना मुझे बोलते हैं कि आप पढ़ाई करो, आप आगे ये करना। कभी उन्होंने शादी के लिए या कभी उन्होंने मेरे कपड़ों के लिए कुछ नहीं बोला। सर दिस इज़ देयर ओन चॉइस, राइट? तो आई थिंक दैट ये चीज़ हर पेरेंट को अपने बच्चों के लिए रखनी चाहिए, इक्वालिटी। और अपनी बेटी को एम्पावर करने का सोचो, उससे सोचो कि वो खुद कमाए, खुद अपना सब रखे, खुद करे। जबकि लड़कों के लिए ही होता है कि उसे जॉब करनी है, उसे जो पहनना है वो पहनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ पेरेंट्स से ही आती है। अब तो लड़कियों को भी काफ़ी ऐसे छूट दिए जा रहे हैं, मतलब ये हम नहीं कहेंगे कि कोई मेल दे रहा है क्योंकि उसका राइट है वो लेना, तो मिल रहे हैं। नहीं, आप देखिए कितनी लड़कियां अपने घर छोड़ के आ जाती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते। कितनी लड़कियां कितनी कितनी चीज़ों में आगे हैं और उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं हैं। हॉस्टल्स में रह रही हैं या जामिया में लड़कियां, उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के अपना फीस दे रही हैं। तो उन लड़कियों को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग? तो पेरेंट्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा। तो ये सब स्कूल कर सकता है, एक सब्जेक्ट बनाए जो लड़कों के लिए हो, एक सब्जेक्ट बनाए जो पेरेंट्स के लिए हो। उनकी हफ्ते में एक दो कम से कम मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है।